सो गाइज यार स्वागत करता हूँ मैं अपने न्यू वीडियो में। सो गाइज आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये वाल्टा का वायरलेस नेकबैंड, जो कि आप लोग बॉक्स देख सकते हो कुछ इस तरह से है। सो गाइज यार यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों से क्रूज़ लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा है। और गाइज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसमें एक खास स्पेसिफिकेशन है जो कि 20 आर म्यूज़िक आर मतलब प्ले टाइम है। और गाइज यहाँ पे इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन है जो कि मैं अनबॉक्सिंग करते वक्त मैं आपको बता दूँगा। और गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग पहले पीछे इसका प्राइस लिखा हुआ देख लो, ठीक है? यहाँ पे लगभग 999 लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसे परचेस किया है 500 के अंदर। तो ये आप लोग ऑफलाइन मार्केट में कुछ सस्ता ही परचेस कर सकते हो। लेकिन गाइज़ मैं यहाँ पे आपको दो लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर ये अवेलेबल होगा ऑनलाइन मार्केट में तो, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो गाइज मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं दो प्रोडक्ट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप परचेस कर सकते हो सेम प्राइस में। सो गाइज चलिए इसे हम लोग फटाक से अनबॉक्स करते हैं, और गाइज वहाँ पे मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, और गाइज इसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और गाइज मैं इसका टेस्टिंग भी करके आपको दिखाऊँगा। तो गाइज यार यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसे अनबॉक्स करने के लिए। यहाँ पे वाल्टा का ब्रांडिंग और गाइज यहाँ पे क्रूज लिखा हुआ है। और गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 20 आवर्स म्यूज़िक प्ले टाइम है, और गाइज यहाँ पे मैग्नेटिक ईयरबड जो कि ये हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, मैग्नेट लगा हुआ है। और गाइज यहाँ पे स्टीरियो साउंड आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो बैटरी है वो 200 mAh कैपेसिटी का है। और गाइज ये दोनों मतलब ट्रू वायरलेस है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पीछे कुछ और स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो कि 10 से 15 मीटर रेंज है इसका। और गाइज क्विकली कनेक्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, और मैग्नेटिक तो मैंने बताया, और 20 आर ये चलेगा। और गाइज ये स्विट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस प्लास्टिक को हटा लेते हैं, ठीक है? तो गाइज यहाँ पे हम लोग इसे अब ओपन करते हैं इस बॉक्स को, और देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल एक प्लास्टिक में यहाँ पे आपको रैप किया हुआ देखने को मिल जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक चार्जिंग केबल है टाइप A2 माइक्रो USB। तो इसे हम लोग रखते हैं साइड में, और गाइस इसे हम लोग निकालते हैं बाहर नेकबैंड को। और गाइस ये पूरा प्लास्टिक का है, और यहाँ पे जो ये चिपकता है वो काफ़ी वीक है गाइस, मतलब बहुत ही जल्दी यहाँ से छूट जाता है। तो इसका क्वालिटी का बात करूँ तो यार ये काफ़ी वीक है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा वीक। और यहाँ पे भी आपको 3 बटन देखने को मिल जाता है, प्लस माइनस का और पावर बटन। और गाइज यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग चार्जिंग केबल को लगा सकते हो, चार्ज कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं बॉक्स में कुछ है। तो गाइज यहाँ पे कुछ नहीं है बॉक्स में, और यहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं है। तो गाइज बस इसमें एक नेकबैंड और ये चार्जिंग केबल देखने को मिला। तो गाइज देखते हैं और इसका टेस्ट करते हैं, और बताते हैं आपको कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो यार उतना अच्छा नहीं है, और गाइस ये पूरा प्लास्टिक का है, उतना अच्छा क्वालिटी इसका नहीं है, और ये भी फ्लेक्सिबल है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग टेस्ट करते हैं आगे वीडियो में, और बताते हैं आपको लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस यार मैंने अभी इसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाया, और इसका रिव्यू भी आपको मैंने दिया, ठीक है? सो गाइस यार इसके बारे में मैंने आपको पूरा स्पेसिफिकेशन बता ही दिया। तो गाइस ये रहा, ये नेकबैंड है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि इसका वायर यहाँ पे उलझ जाता है आपस में। तो गाइस यहाँ पे आप लोग लुक देख सकते हो इसका, काफ़ी वीक है गाइस, मैं प्राइस के हिसाब से देख ही लो किस तरह से है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसे पहले टेस्ट करता हूँ अपने नेक में लगा के कि किस तरह से फिटिंग है इसका। तो यहाँ पे नेक में यार ठीक है फिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं कान में लगा के और इसका साउंड क्वालिटी मैं सुन के आपको बताता हूँ कि किस तरह से है, आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाक से अपने कानों में लगा लेता हूँ, और गाइस कनेक्ट करके देखता हूँ कि ये किस तरह से है।
तो जब तक मैं कनेक्ट कर रहा हूँ गाइज़, आप लोग एक लाइक कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं यहाँ पे फटाक से इसे कनेक्ट करके और मैं यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी सुन के बताता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो। सो गाइज यार, यहाँ पे क्रूज़ लिखा हुआ आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं फटाक से। तो यहाँ पे ये कनेक्ट फास्टली हो गया, तो यहाँ पे चलिए हम लोग एक म्यूज़िक को यहाँ पे चला के देखते हैं किस तरह से इसका साउंड क्वालिटी है। तो यहाँ पे मैंने प्ले किया है अभी सॉन्ग को, बस थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ये स्टार्ट हो गया है। सो गाइज यार, इसका बेस ठीक ठाक है गाइज, उतना भी ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है गाइज, आप लोग इसे सुन के बताओ ठीक है। और गाइज मैंने इसे सुना ठीक ठाक, लाउडनेस भी इसका ठीक ही था, तो यहाँ पे आप लोग सुन लो। सो गाइज यार, यहाँ पे आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से इसका साउंड है। तो यार इसका साउंड ठीक ठाक है, मतलब प्राइस के हिसाब से आप इसे भी परचेस कर सकते हो। सो गाइज यार, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लो ठीक है। अगर ये ऑनलाइन में अवेलेबल होगा तो मैं इसे दे दूँगा। और आप लोग देख सकते हो गाइज, यहाँ पे मैं मैग्नेट से कनेक्ट करता हूँ, ऐसे भी करता हूँ तो ये गिर जाता है। तो आप लोग अगर सस्ता लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो अगर ज़्यादा प्राइस है तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा लेने के लिए। और इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी वीक है गाइज, काफ़ी पतली भी है और उतना ख़ास ये नहीं है, मुझे तो पसंद नहीं आया। और गाइज वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।